दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं आपका स्वागत है, उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार। और आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक बधाई। आज अष्टमी है, उसकी आपको शुभकामनाएं। और कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नवमी होगी, तो नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने नवरात्रा शुरू होने से पहले बोला था कि मैं कुछ कहानियाँ आपके लिए स्टोर करके लाऊंगा, और जो दुर्गा सप्तशती है खासकर, तो मैंने सिर्फ एक ही कहानी, एक ही अध्याय उसका आपको बताया। तो आज के वीडियो में मैं फटाफट सारे अध्यायों का सार इसमें आपको बता देता हूँ। नॉर्वे के नेचर के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि वो सातों अध्याय में जो समरी है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि माता रानी के जो पूजन करते हैं, जो नवरात्र रखते हैं, तो वो उसकी क्या महत्ता थी, आप लोगों ने भी किए हैं, तो उसका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही में हम कहीं थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए निकले थे, तो उसके वीडियो क्लिप आपको मिलेंगे। तो बने रहे हैं ब्लॉग में, और दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्यायों का आप समरी सुन सकते हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों नमस्कार आप सबको। दुर्गा, ये सप्तशती का जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक समरी देता हूँ पूरी, तो बेसिकली दुर्गा सप्तशती में क्या है कि टोटल 700 श्लोक हैं, और पहले अध्याय में 104 श्लोक हैं। और पहले अध्याय में भगवती महामाया के प्रभाव से किस प्रकार मनुष्य मोह माया और संसार के बंधनों में फंस जाता है, यह बताया जाता है। साथ ही साथ देवी भगवती की महिमा और उसके स्वरूप और मधुकैटभ राक्षसों के संहार का वर्णन भी है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में देवताओं के तेज से किस प्रकार देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात प्रकट हुई, और उसके बाद देवी ने कैसे महिषासुर की सेना का वध किया, इसका वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 69 श्लोक यानी कि 69 श्लोक आते हैं। अब आते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 में, देवी ने कैसे सेनापतियों सहित महिषासुर राक्षस का वध किया, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर, चामर और कई अन्य दैत्य देवताओं के संहार का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से तीसरे अध्याय में 44 श्लोक आते हैं, 44 श्लोक। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से अध्याय 4 में 42 श्लोक आते हैं। पांचवें दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 में या देवी सर्वभूतेषु मंत्र विस्तार से दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 अध्यायों के श्लोक में से इस अध्याय में 129 श्लोक 129 श्लोक आते हैं। और इस अध्याय में 5 में या देवी सर्वभूतेषु मंत्र के जरिए देवताओं की किस प्रकार देवी स्तुति करते हैं, यह बताया गया है। और साथ ही जो है देवी सर्वभूतेषु मंत्र से पता चलता है कि देवी माँ किस प्रकार जनता के सभी प्राणियों में कई स्वरूपों से निरंतर स्थित रहती है, जैसे कि बुद्धि रूप में, शांति रूप में, समा रूप में, दया रूप में आदि। साथ ही साथ इस अध्याय में चंड मुंड और निशुंभ असुरों के प्रसंग की शुरुआत है। अंबिका के रूप में प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, देवी और दूत का संवाद और देवता का निराश लौटना आदि प्रसंग भी इस अध्याय में आते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6 में देवी ने किस प्रकार धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध किया, यह दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोकों में इस अध्याय में 24 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती के इस 7वें अध्याय में देवी ने कैसे चंडमुंड दैत्यों का संहार किया, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस अध्याय में देवी काली का प्रकट होना और उसके नाम चामुंडा देवी पड़ा, यह भी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के पिछले अध्याय में अध्याय 6 में देवी माँ ने कैसे सुम्न निशुम्भ सेनापति धूम्रलोचन संहार किया, इसका वर्णन था। धूम्रलोचन के वध के कारण शुंभ क्रोधित हो चंडमुंड देवी के युद्ध के लिए भेजता है। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में इस अध्याय में 63 यानी कि 63 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 में देवी ने किस प्रकार शुंभ निशुंभ राक्षस का वध किया, यह बताया गया है। साथ ही साथ देवी के दूसरे स्वरूपों
ने जैसे कैसे राक्षसों का संहार किया, इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 41 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 में निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में इस अध्याय में 32 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 में माँ दुर्गा के शक्तियों का और स्वरूपों का वर्णन किया गया है और सभी विपदाओं की रक्षा के लिए देवी माँ की प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ देवी माँ ने भविष्य में होने वाले उन अवतारों के बारे में भी बताया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 55 श्लोक आते हैं। अगला है सप्तशती के 12वें अध्याय में खुद देवी देवताओं को देवी महात्मा और सप्तशती पढ़ने में सुनने के लाभ के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 41 श्लोक आते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे सप्तशती पाठ से भक्त को संकटों और विपत्तियों से रक्षा होती है, बाधाएं दूर होती हैं और भय रोग आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ यह भी विस्तार से दिया गया है कि कैसे देवी चरित्र का स्मरण भक्त की स्थान स्थान पर रक्षा करता है, जैसे कि सुनो मार्ग में शत्रुओं से गिर जाने आदि पर। 13वां अध्याय मैं सुरत और वैश्य को देवी का वरदान दुर्गा सप्तशती बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 29 श्लोक आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये मैंने आपके सामने एक संक्षिप्त विवरण जो है रखा है दुर्गा सप्तशती का। आप इसको समझें और जो लोग दुर्गाष्टमी के इस नवमी तक इस तरह के करते हैं, पाठ को करते हैं, उनको इसका बहुत लाभ होता है। मैंने सोचा अपने धर्म में संस्कृति में जो चीज़ें बताई गई हैं उसका एक वर्णन अपने इस डेली ब्लॉग के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊं, इसका लाभ उठाएं और बाकी के अंशों का भी लाभ उठाएं, जिसमें कि कुछ चीज़ें जो डे टू डे में एक्टिविटी मैंने करी हैं आप उसको देखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। देखें आप क्रिसमस के सारे देखें, ये क्रिसमस के लिए आने शुरू हो गए हैं। क्रिसमस की शॉपिंग जो है शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ये सारा क्रिसमस वाला आइटम इन्होंने निकाल दिया है। हालांकि अभी दूर है बट अभी लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे क्रिसमस के लिए, तो आपको लाइट के और इसके आइटम दिखने शुरू हो जाएंगे। देखें सारे जो है डिफरेंट टाइप के सेंटाज आ चुके हैं। ये देखें क्रिसमस ट्री जो सजाने के लिए,